हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आई हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आप मेरे व्यूअर्स उनके बारे में सोचते रहते, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये हम रीडिंग देखेंगे, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, चाहे नो कॉन्टेक्ट में हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, जैसे भी हैं आप एक रिलेशन में हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। तो क्या आप अपने पार्टनर को याद करती हैं? तो क्या वो भी याद करती हैं? ठीक है, चलिए गाइस देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। चलिए देख लेते हैं कार्ड निकाल करके क्या एनर्जी है। बॉटम ऑफ डेक है हाई प्रेस्टस। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपके पर्सन के साइन बताना चाहूंगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस और कैप्रिकॉन। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा का भी मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है? बाकी वैसे सभी साइन के लिए है, 12 की 12 राशियों के लिए आप देख सकते हैं, सभी के लिए है ये। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग साइन मुझे टॉरस और कैप्रिकॉन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ही स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहे हैं। बाकी वैसे 12 राशियों के लिए हैं, किसी भी राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आप लोगों में कम्युनिकेशन ना के बराबर हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन में हो तो वो थोड़ी बहुत बात होती हो ना के बराबर, या लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तब भी अगर आपकी कभी कभार बात होती हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, तो आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो देखते हैं कि आपके साथ में जो भी मैंने बुरा किया था, जो भी आप मेरे व्यूवर्स इतने बुरे दौर से गुजरे हैं, आपके मुंह पर मैंने जो दरवाज़ा बंद कर दिया था, या मेरी फैमिली ने आपके मुंह पर जो दरवाज़ा बंद किया था, और उसका दुख उनको आज भी है। अभी कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है कि ये सब हमने जो किया था वो गलत किया था। उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है इस बात का कि ये जो किया था ये हमें नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पर 2 कप उनके पास अभी भी बाकी हैं, लेकिन इन 3 कपों को वो देख रहे हैं और बहुत ही उदास और निराश खड़े हुए हैं। बहुत ही हताश की एनर्जी है कि ये मैंने सब क्या कर दिया। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अभी भी आपके पास 2 कप बाकी हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप इस पछतावे में अटके रहेंगे, आप इस प्रायश्चित में जो है अपने आप को बांध कर रखेंगे, यानी कि आप दुखी रहेंगे, तो इससे कुछ आना जाना नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ की स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी 2 कप बाकी हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी को फिर से हरा भरा सुनहरा बना सकते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्स उनको यही कह रहा है कि आप उदास और निराश रहेंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि अभी आपके पास 2 कप बाकी हैं, तो उनको आप देखिए और आगे बढ़िए। लेकिन आपके पर्सन जो हैं अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं गाइज कि आपके पर्सन जो हैं हो सकते हैं कि मल्टीपल जॉब करती हूँ, या अपनी लाइफ में और अपने करियर में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आए दिन उनके सामने कोई न कोई नई समस्या आकर खड़ी होती है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे तो चैन की सांस भी नहीं आ रही है। आए दिन मैं कोई ना कोई नई प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, और मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम्स जा क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब करियर पर ध्यान दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जगल भी कर रहे हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी स्किल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको पॉलिश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो है मैं अपने अंदर निखार लेकर आऊं ताकि फाइनेंशियली सिचुएशन मेरी बेटर हो जाए। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाए हैं, बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, तो वो अभी ये देख रहे हैं कि मुझे जस्टिस भी करना है, क्योंकि ये लिब्रा का कार्ड है और जस्टिस तो मिलेगा आपको। ठीक है, यूनिवर्स भी आपको जस्टिस देना चाहता है, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं, एंजल्स सभी देख रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है इस पर्सन के साथ में। देखिए, जितने कर्माज आपको मिलने थे वो मिल लिए, अभी जस्टिस का टाइम आ गया है, इसलिए यूनिवर्स भी यही देख रहा है कि इस पर्सन को जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि आप मेरे व्यूवर्स को जस्टिस मिलना चाहिए। और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ जस्टिस करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इनके साथ बुरा किया है, और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पर्सन को भी सपोर्ट कर रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये उगता सूरज आपकी लाइफ में जरूर आएगा, ये खुशियां आपकी लाइफ में जरूर आएंगी, ये ग्रोथ आपकी लाइफ में जरूर होगी, जो आप यहाँ पर आसपास देख रहे हैं ये सारी की सारी जो है खुशियां आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि यूनिवर्स से कुछ भी चीज छुपती नहीं है। यहाँ पर आपकी तरफ प्यार आ रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने पार्टनर को जाकर के प्यार दीजिए, उनको ये कप जो है ऑफर कीजिए, लेकिन आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं कि मैं किस मुंह से जाकर के उनको ये लव का ऑफर दूं, यानी कि ये कप जो है उनको ऑफर करूं, किस मुंह से जाकर के ऑफर करूं। लेकिन यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ही है, ये एस ऑफ कप्स के जस्ट नीचे ही है, एंजल्स कह रहे हैं कि आप ये कप ऑफर कीजिए, अपने पार्टनर को ऑफर कीजिए, आप शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि जो ये हुआ है ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही हुआ है, इसलिए ये सब कुछ होना ही था, ये पहले से ही निश्चित था कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में होगा ही होगा। तो अभी डिवाइन ये कह रहा है कि ये कप जो है आप अपने पार्टनर को दीजिए। यहाँ पर मुझे गाइस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में जाकर के एक न्यू स्टार्ट करिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी डिवाइन का हाथ है, डिवाइन जो है आपकी लाइफ में ग्रोथ लाना चाहता है, सक्सेस आपको देना चाहता है, हर एरिया में सक्सेस आपको देना चाहता है, ग्रोथ आपकी लाइफ में देना चाहता है, क्योंकि आपकी जिंदगी जैसे कहीं थम सी गई है, रुक सी गई है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे जो है दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ की ग्रोथ करिए, आप कब तक ऐसे उदास बैठे रहेंगे। यहाँ पर भी उनके हाथ में ये वेंट्स पकड़ा रखा है, उसमें भी ग्रोथ हो रही है, देखिए लीव्स निकल रहे हैं छोटे छोटे। तो कह रहे कि आप जाइए, अपनी नई शुरुआत करिए, अपने पार्टनर से बात करिए, आप काफी टैलेंटेड पर्सन हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं, तो आप जाकर के अपने पार्टनर से बात करिए, एक नई शुरुआत करिए जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ हो आपकी लाइफ की। कहीं ना कहीं आप खो गए हैं अपनी लाइफ में कहीं, तो आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के यहाँ पर तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर कुछ छुपाते हैं उनसे, वो सारी बातें उनसे बताते नहीं है। ऑन ऑफ की सिचुएशन अगर कुछ लोग केसेस में होगी तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उनसे बातें छुपाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइज मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आप मेरे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन देखते हैं, बहुत ज्यादा आप नर्चरिंग केयरिंग है ऐसे भी आपके पर्सन देखते हैं, आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं। हो सकता है कि आप मेरे व्यूवर्स या आपके पार्टनर कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं इधर ये टैरो लिखा हुआ है, उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, हो सकता है कि वो कोई काउंसलर हो या आप मेरे व्यूवर्स कोई काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को दिशा दिखाते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन इस रास्ते पर हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है स्कॉर्पियो हो, उनकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो, या आप मेरे व्यूवर्स जो है स्कॉर्पियो हो, आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पास में काफी स्टेबिलिटी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हालांकि आप काफी दुखों से गुजरे होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में अभी आगे आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप अपने करियर में भी काफी ग्रोथ करेंगे और आपके पर्सन की भी आगे जो है तरक्की होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन जो है बाएं फैलाए खड़े हैं कि आप मेरी तरफ आ जाएं, आपका वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन हो सकता है कि शायद वो खुद ही चल करके आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए
यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अपने हर्ट चक्रा को क्लोज करके बैठे हुए हैं, अपने हर्ट चक्रा को ओपन ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, इसी वजह से वो अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड हैं, मल्टीपल जॉब करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड हैं, वो अपने फाइनेंस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो ये गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, वो सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके आपके पास आना भी चाहते हैं, वो आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं, आपको ये पेंटिकल्स भी देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको कमिटमेंट भी देने की सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने हर्ट चक्रा को ओपन करेंगे तभी ना। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो आपको जो है कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। और यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे रिस्क लेना चाहिए और एक चांस और लेना चाहिए, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जो है मुझे जाना चाहिए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए और ये रिस्क लेना चाहिए मुझे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी यही आ रहा है कि एंजल्स की तरफ से दुआएं आपकी तरफ आ रही हैं और कम्युनिकेशन भी आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी ये साइकिल कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर वो आपको अपना संसार भी देखते हैं। ठीक है, तो ये थी उनकी रीडिंग, अभी हम देखते हैं एंजल्स और गॉड गाइडेंस। ये आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, आप मेरे व्यूवर्स के लिए, कि एंजल्स गॉड डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, आपने अपने परिवार को या अपने पार्टनर को जो भी कसम दी है या वचन दी है वो आप हर कीमत पर पूरा करें, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पशु पक्षियों को आप जो है अन्न खिलाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिंदगी की जो पुस्तक है ना, उसमें कुछ अच्छे अध्याय भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, तो जो आपका टाइम अभी खराब चल रहा है उसमें अच्छा टाइम भी आएगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि ये जिंदगी में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही दिन खराब क्यों चल रहे हैं, सब अच्छे हैं, सबके दिन अच्छे हैं, सब मौज में हैं, सब दुख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लाइफ में दुख सुख आते हैं, तो आप ऐसा ना सोचे। ठीक है, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है, इसलिए आप कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। देखिए, आस्क योर एंजल्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप असमंजस की स्थिति में है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, ये स्टेप लूं कि नहीं लूं, तो आप एंजल से कनेक्ट होइए और उनसे पूछिए। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, इसलिए उसका स्वागत करिए और आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, अभी हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, देखिए, हीलिंग, अभी आपको हील करना है, अभी पास्ट को हील करना है और आगे बढ़ना है। आपके अंदर ये सारी पावर है, ये सारी एबिलिटी आपके अंदर है कि आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, होप, होप के साथ में आगे बढ़िए, आप जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ही आप अपने सिचुएशन में चेंज देखेंगे और उतना ही आपको तरक्की भी मिलेगी। ठीक है, आप नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, म्यूजिक, आप म्यूजिक सुनिए और इससे आपकी हीलिंग भी होगी और आपको अच्छा भी फील होगा, यही एंजल्स आपको कह रहे हैं। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज, अभी हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए, वो आपके साथ रहते हैं तो बहुत ही उनको खुशी मिलती है, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं आपका हाथ पकड़ करके हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। वो कह रहे हैं कि मुझे जाने मत दो, मुझे पकड़ कर रखो। आप किस तरह से उनको हर टाइम आगे रखते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये, हमेशा आप उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं, आप जब उनके साथ में होते हैं तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वो कह रहे कि हम दोनों जो है, चाहे साथ में रहें चाहे अलग रहें, हम लोग जो है इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम साथ में रहें या अलग रहें, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। और वो ऐसा भी कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। तो ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज थे, आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।